इन एडिशन टू कैंसर उनको काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स थी, मेनली रिलेटेड टू बोन्स, बिकॉज मेनोपॉज एक कंडीशन होती है जिसके बाद बोन्स बहुत ब्रिटल होना शुरू होती हैं, तो उसके कारण उनकी सारी चीज़ें एग्रेवेट होती थी। 2017 में जब उनको डिटेक्ट हुआ था पहली बार ब्रेस्ट कैंसर, तो हम लोग काफ़ी घबरा गए थे। ऑनेस्टली बोलूँगा कि सब लोग डरते हैं, कैंसर नाम से सब लोग डरते हैं, बट वो डर आप किस तरफ चैनल करते हो वो चीज़ मैंने अभी 2023 तक सीखी है, और उसी सही चैनल को पकड़ने के कारण मैं कुछ सही दोस्त लोगों से मिला जिनसे मेरी दोस्ती हुई। उनमें से राठौर जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, अभी हमारे बीच में नहीं है शायद, वो चले गए हैं, बट उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं हालांकि प्रोफेशन वाइज मैं आईटी में हूँ, मैं बैंक्स में काम करता हूँ, मेनली जेपी मॉर्गन और अभी अर्नस्ट एंड यंग करके ईएनवाई करके कंपनीज में वो जॉब करता हूँ, और साथ में मैं ये काम भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन था कि मैं लाइफस्टाइल पे काम करना था, राइट? हम नौकरी भी करते क्योंकि हमको लाइफस्टाइल बढ़ानी होती है हमारी, कुछ अच्छा करना होता है लाइफस्टाइल के लिए। लाइफस्टाइल में दो शब्द होते हैं, लाइफ और स्टाइल। लाइफ के लिए आपको चाहिए हेल्थ, जीवन के लिए हेल्थ चाहिए, स्टाइल के लिए चाहिए पैसा, वेल्थ। ये दोनों चीज़ें अगर आपको कहीं मिलती हैं तो ऐसे ही किसी चीज़ में मिलती हैं। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे आज लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट अगर हेल्थ समझ में आती है तो सब कुछ समझ में आता है। इफ़ यू हैव हेल्थ यू कैन गेन एनी काइंड ऑफ वेल्थ। मेरे माँ बाप को मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मॉम को मैंने खड़ा किया है। आज वो हालांकि दूसरे काम भी थी आ नहीं पाई, बट अगर आज आप देखते यू वुड नॉट इवन से फॉर एन आयोटा ऑफ डिफरेंस की अगर ये जो महिला है ये कैंसर सर्वाइवर रही है। शी हैज़ गॉन थ्रू रेडिएशन, शी हैज़ गॉन थ्रू कीमोथेरेपी। रिसेंटली मेरी वाइफ को भी डिटेक्ट हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, शी ऑल्सो गॉट ट्रीटेड। और ये जो हिम मुहिम एक प्रोडक्ट है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी तक शायद मैंने तो नहीं देखा। 6 साल से लड़ रहा हूँ इन दोनों चीज़ों से, बट इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे और किसी चीज़ से नहीं मिला। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग सब आज कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। थैंक यू।